तो ये है दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल सोल्डिंग आयरन। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन, आपको स्वागत करता हूं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक न्यू वीडियो। इस वीडियो पे दोस्तों टू पिन से आपको एक सोल्डरिंग आयरन बना के दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, और आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हम पहले लेंगे एक टू पिन। दोस्तों इस टू पिन को आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। दोस्तों इसे आज हम सोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। तो दोस्तों पेचकस की मदद से हमने इसे दोनों स्क्रू को मैंने निकाल लिया है। तो ये है हमारा टू पिन। टू पिन का दो आगे वाला जो सॉकेट होता है, इसे हम सोल्डरिंग आयरन का टिप बनाएंगे। तो दोस्तों चले इसी नॉट को हम थोड़ा ढीला कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा जो सोल्डरिंग आयरन बनेगा, इसे सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए हमें ये इस तरीके से एक टू पिन चाहिए, और एक इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए जो का हमारा नाइक्रोवेयर को बहुत ही संभाल पाएगा। मैंने छोटे छोटे टुकड़े का इस वाले कागज़ को ले लिया है, और इसी पिन के ऊपर में मैंने फेविक्विक से अच्छे से इसे हम चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने चिपका दिया हूँ, और इसी पिन को देखिए अच्छे से माप लेने के बाद हमें फ्रेंड्स इस नाइक्रोवेयर को लेना है। जो नाइक्रोवेयर इसे बहुत इसे बैटरी करंट देने पर बहुत हीट होगा, और सोल्डिंग आयरन अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और हमें इस तरीके से तीन बार लपेट लेना है। अच्छे तरीके से लपेट लेने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है, जैसे हमारा वायर निकलेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने नाइक्रोवेयर को इसी पिन के ऊपर में लपेट लिया हूँ। आप भी इस तरीके से लपेट लेना। मैंने एक वायर को ले लिया है। वायर को हमें इस नाइक्रोवेयर का आगे वाला हिस्सा से अच्छे से कनेक्शन दे देना है। देखिए फ्रेंड्स कनेक्शन देने के बाद एक इस तरीके का पट्टी लेना है, इसके ऊपर में दे देना है जैसे हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैं दे रहा हूँ, इसी वीडियो पे देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स अच्छे तरीके से हो वायर को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने नीचे भी एक छोटा सा रेड वाला वायर को लगा दिया है, और इसे हम पिन के भीतर में हमें कनेक्शन कर देते हैं। अच्छे तरीके से इसको लगा के टाइट कर देते हैं। टाइट कर देने के बाद हमें इसके ऊपर में उसकी कवर को लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस कवर को लगा दिया है, और हमें स्क्रू को लेकर पेचकस से इसको टाइट कर देते हैं। टाइट अच्छे तरीके से टाइट होने के बाद हमारा बनकर रेडी हो चुका है सोल्डिंग आयरन। चले इसे बैटरी और स्विच का कनेक्शन देते हैं। पहले हम एक पुश स्विच लेंगे। इस स्विच को आप मार्केट में इजीली ऑर्डर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस स्विच को लगा दिया है, ग्लू गन से अच्छे से लगा दिया है इस स्विच को, और एक वाले पॉइंट को मैंने इधर सोल्डरिंग कर दिया है, और स्विच के दूसरी भाग में मैंने एक सोल्डरिंग करके बैटरी को ग्लू गन से अच्छे से इसी पीछे मैंने चिपका दिया है, जैसे हमारा सोल्डरिंग आयरन अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो पे देख सकते हो हमारा जो टू पिन से सोल्डिंग आयरन बना है किसी तरीके से खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे घर पर बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो हम पहले लेंगे दोस्तों देखिए किस तरीके से गजब तरीके से सोल्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मे कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद। ये है पावरफुल सोल्डिंग आयरन। देखिए फ्रेंड्स।